नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कैमरे पे जब आप यूज करते होंगे सेल्फी मोड में या बैक मोड में, जब आप कैमरा फोटोज क्लिक करने के लिए यूज करते होंगे तो उसमें हमेशा लिखा आता होगा HDR मोड। अब आप हमेशा सोचते होंगे HDR मोड होता क्या, कईयों ने ऑन करके भी इसे यूज करा होगा तो हो सकता है मे बी कहीं में ब्लर आई हो इमेज, लेकिन ऐसा क्यों होता है मैं आज आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो बेशक आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मैं आपके लिए पहली बात बता रहा हूँ कि HDR जब हम यूज़ करते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है हायर डायनेमिक रेंज। ये जो रेंज तो आप सभी जानते हैं कि, लेकिन डायनेमिक क्या होता है? ये डायनेमिक होता है अगर हम जब कोई फोटो क्लिक करते हैं और साइड अगर होता है कि आपकी एक साइड लाइट कम है और एक साइड लाइट ज़्यादा है तो वो तीन फोटोज खींचता है। जैसे आप उसने तीन फोटोज खींची, उससे होगा क्या कि जब हमने फोटो खींची तो पहले में तो वो करेगा कि सबसे मतलब हाई या आपकी फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो सबसे ज़्यादा कर देगा, और एक में वो करेगा सबसे कम, और एक जो नॉर्मल खींचेगा। लेकिन फिर आपको तो एक ही फ़ोटो मिलती है, आपने सोचा होगा कि यार मेरे को तो एक ही फ़ोटो मिलती है, तीन कैसे मिलती है? लेकिन जब आपको वो फ़ोटो मिलती है तो वो तीनों को एक कर देता है। जब वो ऐसे एक जुट जाती है तो वो होता है कि लाइट ज़्यादा जहाँ पे चाहिए थी उसको लाइट दे दी, जैसे तो मिक्स करके जब ये फ़ोटो बनती है तो ये काफ़ी अच्छी फ़ोटो होती है। मतलब इसकी यूसेज तो अच्छी है, लेकिन ठीक है मैं आपको, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो फोटोज़ हैं वो सारी मतलब अच्छी यूज़ के लिए है, मतलब जो भी हम की दिख रहा हो आपको स्क्रीन पे कि हमने कितनी है। तो जैसे ऐसे आपको मैंने फोटोज दिखाई, इसी तरह की होंगी कुछ दो चार फोटोज और जो ये सब में काम आती है। लेकिन आप इसे अब कब यूज़ नहीं करना चाहिए, इसे अंधेरे में यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे होगा कि आपकी इमेज ब्लर आएगी। या अगर आपकी रोशनी है तो आप उसमें भी यूज़ नहीं करें, लेकिन वैसे करने को कर सकते हैं बट फ़ायदा नहीं है। और एक ध्यान हमें रखनी चाहिए जब ये बात की, जब आप इसे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो आपको एक सेकेंड तक ऐसे फ़ोटो क्लिक करी उसके बाद रुके रहो, क्योंकि अगर आप इसे तुरंत हटा देंगे जैसे हमारे को आदत होती है कि क्लिक करा और तुरंत नीचे फ़ोन और देखने लग गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो फ़ोटो ब्लर हो जाएगी। वैसे ज़्यादातर हो जाती होगी लोगों की ब्लर इमेज, ऐसा ही होते दिक्कत आती है। तो उम्मीद करता हूँ आप HDR के बारे में पूरा समझ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आपको कोई सुझाव है तो कमेंट करें, और चैनल को अभी मेरे सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी रोज़ाना इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो बेशक आपको पसंद है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।